Hello friends, welcome back to my channel. My name is Arun and for today's video, I'm going to tell you why do we celebrate Janmashtami? हम लोग जन्माष्टमी क्यों celebrate करते हैं? So without any further ado, let's get started. कृष्ण जी के बर्थडे को ही जन्माष्टमी कहा जाता है. इस दिन लोग अपने घरों में झांकियां सजाते हैं, अपने घरों को दिवाली की तरह सजा देते हैं. जैसे दिवाली में दिया से पूरा घर सजता है, वैसे जन्माष्टमी में दिया से और फूलों से पूरा घर सज जाता है. इवन मेरे घर में भी जन्माष्टमी सेलिब्रेट होता है एंड मेरा भी घर बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट होता है. अगर आपका भी घर अच्छी तरीके से डेकोरेट होता है या फिर आपके भी घर में जन्माष्टमी होती हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि जन्माष्टमी क्यों सेलिब्रेट की जाती है. मथुरा में एक कंस नाम का राजा रहता था जो बहुत ही क्रूर राजा था. अब वो अपनी बहन को बहुत ज़्यादा मानता था. उसकी बहन का नाम था देवकी. तो कंस ने देवकी की शादी वासुदेव से करा दी. उसके बाद जब वो रथ से उन दोनों को अपने घर ला रहा था तब एक आकाश से भविष्यवाणी हुई. उस भविष्यवाणी में बोला गया कि देवकी का 8वां पुत्र कंस के मौत का कारण बनेगा. तो कंस बहुत ज़्यादा घबरा गया. उसने वासुदेव और देवकी को कारागृह में बंद करवा दिया. उसके बाद समय बीता गया और एक एक करके कंस ने देवकी और वासुदेव के 7 पुत्रों को मार डाला. जब 8वें पुत्र की बारी आई उस दिन बहुत ज़्यादा वर्षा होने लगी. उसके बाद जब 8वां पुत्र हो गया तो भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने बोला कि इसे समुद्र के पार नंद के पुत्री से बदल दो. तो ऐसा ही वासुदेव ने किया. वो कान्हा जी को एक बास्केट में ले गए और अपने आप उनके हाथों की बेड़ियाँ खुल गई, दरवाजे खुल गए. वहाँ के जो सैनिक थे वो बहुत ही गहरी निंद्रा में सो गए. उसके बाद वासुदेव ने कान्हा जी को ले जाना स्टार्ट किया. उसके बाद यमुना नदी आई. यमुना नदी उस दिन उफान पे था, मतलब कि वासुदेव जब यमुना नदी में प्रवेश के दिन वो यमुना नदी से डूब रहे थे, पूरी तरीके से उस नदी में डूब रहे थे. तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना पैर यमुना नदी को स्पर्श किया. उसके बाद यमुना नदी पूरी तरीके से शांत हो गई. उसके बाद बहुत तेज वर्षा हो रही थी, इस वजह से कान्हा जी पूरी तरीके से भींग रहे थे. तो 10 सिर वाले सांप ने अपना फन फैला के छतरी का आकार ले लिया. उसके मदद से वासुदेव ने पूरी यमुना पार की. उसके बाद वासुदेव जब नंद के गांव गए तो उन्होंने देखा कि वहां पर भी लोग बहुत गहरी निंद्रा में सो रहे हैं. तो वासुदेव ने नंद की पुत्री से कान्हा जी को बदल दिया. उसके बाद वो जब नंद की पुत्री को लाए तब कंस जाग गया और उसने नंद की पुत्री को मारना चाहा. जैसे ही कंस आगे बढ़ा तुरंत नंद की पुत्री दुर्गा माता के स्वरूप में बदल गई और उसने कहा कि उन्होंने कहा कि देवकी और वासुदेव का 8वां पुत्र जन्म ले चुका है और वो तुम्हें ज़रूर मारेगा. उसके बाद समय बीतता गया और कान्हा जी ने कंस का वध करके धर्म की स्थापना की. इस वजह से जिस दिन कान्हा जी का जन्म हुआ था उसे जन्माष्टमी कहते हैं. अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे फैक्ट्स अच्छे लगे हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड पास वाली बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियोज़ आए आप तक सबसे पहले पहुंच जाए. आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ मेरी वीडियो शेयर कर सकते हैं. तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ. तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड हैप्पी जन्माष्टमी.